नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आज हम सभी जानेंगे सीताफल के बारे में, सीताफल के फायदे और नुकसान के संबंध में। कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम शरीफा या सीताफल के नाम से जानते हैं, सीताफल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह उन मौसमी फलों में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत पसंद करते हैं। इसका उपयोग स्मूथी, संभोग या प्राकृतिक आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। सीताफल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो चलिए जानते हैं सीताफल हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभकारी साबित होता है। सबसे पहले तो हमारी आँखों की रोशनी के लिए, यदि आप प्राकृतिक उपचार के माध्यम से अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी के लिए सीताफल सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये फल विभिन्न आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करता है। इसके साथ साथ इसमें रिबोफ्लाविन और विटामिन B2 भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इस प्रकार से सीताफल हमारी आँखों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाता है। सीताफल के लाभ मधुमेह के जोखिम को कम करता है। जी हाँ, शुगर या मधुमेह की समस्या के लिए भी सीताफल बहुत अच्छा होता है। यह रक्त में शुगर के स्तर और साथ साथ मधुमेह के जोखिम को कम कर सकता है। यदि आपको पहले से ही शुगर की समस्या है तो इसका एंटी हाइपोग्लिसेमिक प्रभाव शुगर की समस्या को और भी बढ़ने से रोकता है। सीताफल खाने के फायदे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, इस फल में तांबा फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें मौजूद फाइबर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद मैग्नीशियम अपच जैसी समस्याओं का इलाज करने और कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। सीताफल के गुण कैंसर का भी इलाज करते हैं। सीताफल के स्वास्थ्य लाभों में कैंसर की रोकथाम भी शामिल है। ये फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। सीताफल ऑक्सीडेटिव तनाव से हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा भी करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि सीताफल के पत्तों का रस ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं के लिए जहरीला होता है। वास्तव में यह स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। शरीफा के फायदे मुहासों के उपचार के लिए, मुहासे अक्सर पोर्स में बैक्टीरिया बनने के कारण होते हैं। सीताफल के मजबूत एंटी माइक्रोबियल गुण आपकी त्वचा की सहायता कर सकते हैं। यह आपकी त्वचा से बैक्टीरिया को साफ करते हैं, जिससे मुहासे होने की संभावना कम हो जाती है। सीताफल खाने के लाभ हैं अल्सर में सहायक। जी हाँ, सीताफल में विटामिन ए उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो गुदा अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करता है। यह न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि त्वचा की लालिमा और सूजन में भी राहत प्रदान करता है। मसूड़ों के दर्द और दांत क्षय को रोकने में इस फल की बाहरी त्वचा यानी इसका छिलका बहुत अच्छा होता है। सीताफल के बेनिफिट्स में से एक महत्वपूर्ण है कि यह हृदय रोगों से आपकी रक्षा करता है। कस्टर्ड एप्पल मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो दिल की बीमारियों, मांसपेशियों में तनाव और ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करके दिल की रक्षा में मदद करता है। इस फल में मौजूद नियासिन और फाइबर का उच्च स्तर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 हृदय रोग के जोखिम को कम करने के साथ साथ दिल को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा शरीफा के मुख्य गुणों में से एक है कि ये आपको गठिया रोग से राहत दिला सकता है। जी हाँ, सीताफल में मैग्नीशियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति शरीर में सामान्य द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके सेवन से जोड़ों में तरल पदार्थ और एसिड को हटाकर, जिससे सूजन बढ़ जाती है, गठिया के जोखिम को कम किया जाता है। सीताफल है गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी। सीताफल को गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा फल माना जाता है, क्योंकि यह फल मूड स्विंग, मॉर्निंग सिकनेस और सुन्नता जैसी समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान इस फल का नियमित सेवन गर्भपात और लेबर पेन के खतरे को कम करता है।
इसके साथ साथ स्तन के दूध को बढ़ाने के लिए भी इसका सेवन अच्छा होता है। इसका सेवन भ्रूण के मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित विकास में भी मदद करता है। सीताफल फॉर स्किन एंड हेयर। सीताफल में विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ बालों और बेहतर दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह त्वचा के मॉइस्चराइजेशन और एंटी एजिंग को रोकने में मदद करता है। इसका गुदा, फोड़े और अल्सर का इलाज करने के लिए बाम के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शरीफा खाने के फायदे, वजन बढ़ाने के लिए। सीताफल का सेवन उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। नियमित रूप से शहद और सीताफल के मिश्रण का सेवन करने से शरीर में आवश्यक वजन के साथ साथ शरीर में आवश्यक कैलोरी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जो स्वस्थ तरीके से आपका वजन बढ़ाने में मदद करता है। सीताफल का उपयोग आपके उच्च रक्तचाप को कम करता है। सीताफल पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो कि हाई बीपी के स्तर को नियंत्रण में बनाए रखने में मदद करते हैं। रक्तचाप के स्तर में उतार चढ़ाव वाले लोगों के लिए दिन में सीताफल के सेवन से उन्हें रक्तचाप के स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। अब आइए जानते हैं कि सीताफल के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान सीताफल खाना सुरक्षित है। इसके उच्च स्तर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स और विटामिन वास्तव में आपके बच्चे के लिए अच्छे होंगे। हालांकि यदि आप इसके पूरक या अर्क का सेवन करना चाहते हैं, तो पहले अपने चिकित्सक से अपनी जांच करवाएं। ये उपचार व्होल फ्रूट से अधिक शक्तिशाली है। सीताफल के बीज और पत्तों में कुछ ऐसे विषैले तत्व पाए जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए इसके बीज और पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए सीताफल खाते समय ध्यान रखना चाहिए। गलती से साबुत बीज निगलने पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीज बिना पचे मल के द्वार से बाहर निकल जाता है। यदि वजन कम करना चाहते हैं, तो अधिक मात्रा में सीताफल न खाएं, क्योंकि इसके अधिक उपयोग से वजन बढ़ सकता है आपका। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए सीताफल के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुए थे। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।